जिन लोगों ने ICICI बैंक का इंस्टा सेव FD अकाउंट खुलवाया था और उसमें 10,000 का डिपॉजिट करके आप क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किए थे वो क्रेडिट कार्ड, देखिए मैंने भी वही किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ओपनिंग डेट जो है जुलाई का है और अभी सितंबर ख़त्म हुआ है और ये महीना का भी मेरा बिल आ चुका है। तो मैं 3-4 महीने से जो है इस क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू यूज़ किया और अच्छे से बिल पेमेंट ड्यू डेट से पहले किया, तो मेरा सिविल स्कोर जनरेट ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे एक वीडियो मैंने बना के डाला था तो उसमें बताया था कि आप फर्स्ट, मेरा मतलब पहला रिपोर्ट आ चुका है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इतना जल्दी कैसे रिपोर्ट आ सकता है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि सिविल स्कोर इससे पहले मेरा बिल्कुल भी जीरो था। आप देख सकते हैं कि मेरा जुलाई में मैंने अकाउंट खोला था और वो क्रेडिट कार्ड को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ किया, उसका बिल पेमेंट सही से किया, तो मेरा जो है पिछले ही महीना मतलब जब लास्ट बिल आया था। कैसे जनरेट कर सकते हैं आप भी अपना सिविल स्कोर, मैं चलिए इस वीडियो में बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए तो आप भी सीख पाएंगे कि ICICI बैंक का जो इंस्टा सेव FD अकाउंट था उसमें कैसे अपना सिविल स्कोर आप जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर 1-2 महीना भी बिल पे किया है सही से, 2 महीना भी अगर आपने बिल पे किया सही से, तो आपका सिविल स्कोर जनरेट हो गया होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक का ब्रांच है या ICICI बैंक वाला जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो सिविल स्कोर वाले के पास कब भेजा है ये पता नहीं। मेरा तो ऑलरेडी जा चुका है और मेरा सिविल स्कोर जनरेट भी हो चुका है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया। मैं इस वीडियो में भी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना सिविल स्कोर फर्स्ट टाइम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप्स फॉलो करें और आप अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे भी आप अपना ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होते हैं उसी टैब से सेम हो जाएं, और अगर नहीं जानते हैं कि लॉगिन कैसे होना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके उस पर देख लें। देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल में सारा प्रोसेस कर रहा हूँ इसलिए कंटिन्यू टू लॉगिन डेस्कटॉप का जो ऑप्शन आएगा ना उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल के ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएं। चलिए मैं अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हम सक्सेसफुल जो है ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आप पूरा स्टेप देखें, अच्छा से समझें, उसके बाद आप खुद से ट्राई करें तो आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल सही सही पे किया होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक गेट फ्री रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड एंड लोन का जो ऊपर ऑप्शन मिलेगा आप उस पर क्लिक करें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल क्रेडिट कार्ड का आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरा जो है FD वाला ही क्रेडिट कार्ड है। देखिए यहाँ पे 9,000 लिमिट बता रहा है, मतलब ये FD वाला ही अकाउंट है, FD वाला ही क्रेडिट कार्ड है। मैंने 10,000 का FD कराया था उस पर ये मुझे क्रेडिट कार्ड मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में नीचे जाएंगे तो देखिए एक सिविल रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस सिविल रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं ICICI बैंक में अपना सिविल रिपोर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप सिविल रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप जैसे ही यहाँ इंटर करेंगे तो आपका सिविल रिपोर्ट आप डाउनलोड भी हो जाएगा और आपके मेल ID पर भी भेज दिया जाएगा और यहाँ पर भी शो होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं ऑलरेडी यहाँ पर वो प्रोसेस कर चुका हूँ, अपना जो है एक बार OTP इंटर कर चुका हूँ यहाँ पर, तो मेरा सिविल रिपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप भी इस तरह से अपना फर्स्ट सिविल रिपोर्ट अगर आपने फर्स्ट टाइम कार्ड लिया तो चेक कर सकते हैं।